देखिए, डे वन से मुख्यमंत्री ने कहा हुआ है कि ये एम्स दरभंगा में बना है, और उसका एक वजह ये भी है कि दरभंगा में एयरपोर्ट है, एयर कनेक्टिविटी है, कोई डॉक्टर आएगा, एयर एम्बुलेंस आएगा तो उसको लैंड करके इमिडिएटली वो जा सकता है। और ये डे वन से तय है क्योंकि और पुराना कॉलेज है DMCH, तो उस हिसाब से किया हुआ है। और बिहार सरकार और देश में कहीं भी एम्स है, पटना में एम्स कहाँ है बताइए, तो देश में जितना एम्स है वो सब एम्स नए जमीन पे बना है। कोई एक एम्स दिखा दीजिए किसी हॉस्पिटल के अंदर बना हो, इसका मतलब आप DMCH को ख़त्म करना चाहते हैं। 1929 का हॉस्पिटल है पटना के बाद, उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं। बिहार सरकार ने 150 एकड़ ज़मीन उपलब्ध करा करके दे दिया, कैबिनेट ने पास कर दिया, उसके लिए टेंडर हो गया, 8 पैकेज में दे दिया गया कि जल्दी भराई हो जाए। दरभंगा एरिया में उसी के बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज बन सकता है और एम्स नहीं बन सकता है? टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चला गया। और जो टीम आई थी स्वास्थ्य विभाग का दिल्ली से, उन्होंने अभी सहमति जाहिर की थी, जो मीडिया के लोगों ने बात की, अब दिल्ली में जाके ये लोग क्या करवा दिए तो वही लोग बताएंगे, लेकिन बेस्ट लोकेशन है जो शोभन में जो जमीन दिया गया है। इसके लिए बाढ़ को लेकर के नीतीश कुमार जी काफ़ी चिंतित है, किस तरह की तैयारी है, और पहले ही आप लोगों ने वो काम शुरू भी कर दिया है सारा चीज़? जो मैक्सिमम काम है एंटी इरोजन का वो हम लोगों ने कर लिया है, हमारा अलर्टनेस पूरा है। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल जो पर्यावरण का परिस्थिति है, कब कितने इंटेंसिटी से और रेन हो जाए, लेकिन हम लोग अलर्ट हैं। और सिर्फ बिहार का इशू नहीं है, हम लोग की ज़्यादा चिंता होती है कि नेपाल में कितना बारिश हो, क्योंकि वही पानी फिर नदी से आता है, तो वो भी हम लोग उस पर नज़र रहती है, हम लोग की तैयारी पूरी है।